रहे हैं पल पल। आज चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं INLD के सिरसा जिला अध्यक्ष श्री पदम जैन जी, उनसे चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। पदम जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पल पल में। धन्यवाद आपका। सर, चुनाव में चंद घंटे बचे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की तैयारी आपने की है? आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जहाँ तक राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है और चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, लेकिन वो लोग डोर टू डोर तक भी नहीं जा पाए, और साथ साथ जहाँ तक है वो शायद सारे वार्डों में भी नहीं पहुँच पाए, सारे गांवों में भी। एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके हर बूथ के ऊपर लोगों ने जाकर वोट तक मांगे और एक एक मतदाता के पास पहुंचकर उनको चरणजीत सिंह जी रोली को जिताने के लिए अपील तक करके आए हैं, पंपलेट दे के आए हैं, और जो परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने काम किए वो सारे बताए, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमले दिखाए उसके बारे में बताया कि इस 5 सालों में उन लोगों ने जो सिर्फ वायदे जो 5 साल पहले किए थे उसमें से एक वायदा भी आज तक प्रधानमंत्री गिना नहीं पाए, हमने ये वायदा पूरा कर। जैन साहब कहते हैं कि बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया, तो बूथ की तैयारियों के लिए आपने क्या प्लानिंग की है? आज हम ये कह सकते हैं कि जहाँ तक बूथ की तैयारी है, हमने ही कोई ऐसा एक बूथ नहीं है सरसा के अंदर, बल्कि आज दूसरी पार्टियाँ ये कहती है कि शहरों के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन मैं आज की तारीख में ये कह रहा हूँ कि हमने कोई ऐसा एक बूथ नहीं छोड़ा जिसके ऊपर हमारा बूथ एजेंट नहीं है या बूथ पर बैठने के लिए कोई आदमी नहीं है। हमने 124 बूथ जो सिरसा शहर के हैं, हमने टोटल के टोटल बूथों के ऊपर आज थैले दे दिए हैं, और टोटल के टोटल बूथों के ऊपर हमारे आदमी बैठेंगे, कार्यकर्ता बैठेंगे, और सारे के सारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाकर कल बल के वोट निकलवा के वोट को पोलिंग करवाने का काम करेंगे। प्रधान जी, अभी विपक्ष का कई नेता कहते हैं कि इनेलो के जो शीर्ष नेता हैं उनका सारा जो पूरा ध्यान कुरुक्षेत्र में है, सिरसा में उनका इतना ध्यान नहीं है, तो क्या सच्चाई है ये? विपक्ष का काम है लोगों को गुमराह करना, और वो खुद मतलब जो है नहीं पहुंच पाए इसलिए ये बातें कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी है और बताया है कि एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ऐसी है जहाँ हर बूथ के ऊपर आज 10-10, 20-20 कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं, और आज नहीं कर रहे बल्कि पिछले 15 दिनों से आपने देखा होगा कि आज पूरे के पूरे बूथों के ऊपर कार्यकर्ता पहुंचकर लोगों से अपील करने का काम किया, और कुरुक्षेत्र वालों को जरूरत नहीं है सिरसा के लोगों को बुलवाने की, क्योंकि कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 10 के 10 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र पर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही है, और वहाँ पर हमारे सब जगह कार्यकर्ता हैं और सारे के सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इसलिए ये भ्रामक प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, आज कार्यकर्ता बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरी पार्टियाँ हैं उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता पहले भी था, आज भी और आगे भी। आपने खुद ने भी चुनाव लड़े हैं, आपने काफी चुनाव करवाए भी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार मुकाबला इनेलो का कांग्रेस से होगा या भाजपा से? आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि इनेलो के साथ है, और कांग्रेस ये कहती है कि इनेलो के साथ है। अब उन दोनों की लड़ाई है वो दूसरे नंबर पर कौन रहता है, तीसरे नंबर पर कौन रहता है। हम तो पहले नंबर पर पहले थे, आज भी पहले नंबर पर है, हमारा निशान जरूर दूसरे नंबर पर है, लेकिन हम विजय श्री पिछली बार जितने वोटों से सरदार चरणजीत सिंह जी रोड़ी जीते थे उससे अधिक मतों से इस बार जीतकर लोकसभा में पहुंचने का काम लोग करवाएंगे, कार्यकर्ता करवाएंगे। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।